अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ शादी वाला चिकन का कोरमा। ये मैंने आधा किलो चिकन ली हूँ। ये दही है, मसाले हैं, हल्दी मिर्ची, नमक, धनिया, थोड़ा सा टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला, ये सब मिला के मैरिनेट करना है। आधा दही ही डालना है, आधा दही बचा के रखना है। फिर इसको अच्छे से मिला लेना है। फिर इसको मिला के अभी मैं फ्रिज में रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। फिर इधर एक बड़ा कांदा, कोथमीर, 2 टमाटर, अदरक लहसुन अपने हिसाब से ले लीजिए, और काजू बादाम, और उधर काली मिरी, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और एक हरी मिर्ची, ये सब मैंने अच्छे से पीस ली हूँ। अभी मैंने सब मसाले अच्छे से एकदम बारीक पीस चुकी हूँ। हल्दी मिर्ची नमक थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा और ऐड कर ली हूँ अलग से। थोड़ा दही जो बचा के रखी थी वो है, और हरा धनिया मैरिनेटिंग के लिए गार्निश करेंगे हरे धनिए से। अभी मैं कढ़ाई रखी हूँ, 2-3 चम्मच तेल डाली हूँ, गरम होने देना है। फिर उसमें डालना है कड़ी पत्ता, तेज़पत्ता और एक हरी मिर्ची बीच में कटी हुई। फिर इसको थोड़ा तड़का लगाएंगे। अब फिर इसमें वो जो पीसा हुआ था वो मसाला ऐड कर दी हूँ मसाले के साथ। फिर इसको अच्छे से भूंजना है। जितना भूंजेंगे ना दोस्तों, उतना अच्छा सालन बन जाता है। कुछ लोग ना जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में भूंजते नहीं, और वो कच्चापन रह जाता है, कच्ची मतलब स्मेल आने लगती है सालन में। तो जितना भूंज देंगे उतना, हर सालन हर कुछ भी बनाओ अच्छे से भूंजने का। फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। अभी इसको अच्छे से देख लेंगे, नमक सही है, दाग लगने नहीं देना है, तब तब हिलाते रहना है, नमक सही है क्या नहीं चख लो आप। अब इसमें ना चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन ऐड कर दी मैंने, और इसमें दही ऐड कर दूंगी अभी, और थोड़ी सी कसूरी मेथी ले लेती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें दही जो मैंने बचा के रखी थी, अच्छा दही को ना थोड़ा घोल लेना है, फेट के दही को फिर मिलाना है। गैस स्लो फ्लेम पे ही रखना है। फिर उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे ना एकदम बढ़िया खुशबू आ जाती है, एकदम है ना शादी वाले जैसा बनता है। ज़्यादा मेहनत नहीं है, 20 मिनट में बन जाता है सालन। आप चाहे तो एक सीटी ले सकते, विजल ले सकते, कुकर में भी बना सकते, कढ़ाई में भी बन जाता है, कुकर में भी बन जाता है। अभी मैं 10 मिनट के लिए छोड़ी थी चिकन डाल के, अब उसको अच्छा अभी भूनना है मसाले के साथ ना, चिकन को भूनना है, क्योंकि चिकन में भी मसाले थे ना, उसका भी कच्चापन जाना चाहिए, इसलिए भूंज रही हूँ मैं। हाँ अभी थोड़ा बहुत भून चुका है, अभी मैं इसको थोड़ा लेवल कर लेती हूँ पानी डाल के। मैंने पानी डाल के ऐड कर चुकी हूँ, अभी एकदम लेवल कर ली हूँ। इतना पतलापन रखी हूँ ताकि वो बाद में गाढ़ा ही हो जाता है पकने में चिकन, तो इतना सही रहता है मेरे हिसाब से। तो अभी हम इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। चिकन बॉईल करना है ना, तो 1-2 चम्मच में देसी घी ऐड करी हूँ, इससे भी खुशबू भी आती है और हेल्थी भी है। ये ना ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद में भी बनता है, मतलब मैं साउथ इंडियन से हूँ, हैदराबाद में भी बनता है, अच्छा लगता है। मतलब तंदूरी रोटी, रोटी के लिए, चावल के लिए आप ज़रूर ट्राई कीजिए कुछ नए अंदाज में। बहुत वैरायटी बनते हैं सालनों में। अब ये चिकन गला है या नहीं चेक कर रही हूँ मैं। ऑलमोस्ट गल चुका था। हाँ पक गया है चिकन लग रहा है। अभी मैं उसको देखती हूँ गला है या नहीं चिकन। अभी वो चम्मच से देख ली मैंने, तो गल चुका है, मतलब ऐसा हाथ से दबाए तो दब रहा है।
देखिए फ्रेंड्स, चिकन गल चुका है एकदम से। अभी समझो सालन बन गया हमारा। इतना सालन हो गया, अभी मैं इसमें कोयले का भाप देती हूँ। इससे ना एकदम सोने पे सुहागा वाला। देते हैं, फिर उसको ढाक देते हैं 5 मिनट के लिए छोड़ देने का, कुछ वज़न चीज़ रख के। फिर एकदम वो ऑब्ज़र्व कर लेगा पूरा स्मॉग, तो एकदम बढ़िया खुशबू आ जाएगी, जैसा कोई देग में बना हुआ, चूल्हे में बना हुआ, एकदम प्यारा सा लगेगा सालन। तो शादियों में खाते हैं ना हम लोग सालन, थोड़ा वही रहता है सेम। तो एकदम ये खुशबूदार सालन बन गया है, देखिए तैयार हो गया हमारा सालन, मुर्गी का कोरमा, चिकन कोरमा। ये देखिए मैंने बाहर लाई हूँ, ऐसा बन के तैयार हो गया है। अब इसको खाने के लिए रेडी रहे, और रोटी के साथ, रोटी, तंदूरी रोटी, नान, पाव, चावल, जिसमें चाहे उसमें खाइए।